तो सुनिबा आउ एक नुआ कहानी कोइला ओ चंदन परिवेषण शिवाशीष महांती। गोटे गाँव में जड़े पंडित ओ परोपकारी लोक रहुथिले। तांको भल गुण पाई लोक माने तांको बहुत आदर करुथिले ओ सम्मान देउथिले। तांकर गोटे पुओ थिला, ता ना विभास। हेले से ता बापार विपरीत थिला। पाठ साठरे भलो थिले मध्य खराब पिलांगा संगतरे पड़ी से खराब हो जाइथिला। सबुबेले ता नारे अभिजोग आसुथिला। बापा विचलित होई पड़ुथिले। जेत्ते चेष्टा कले मध्य तांको कथा विभास मानिला नाही। से सबुबेले सेई खराब पिलांगा सह मिसिला। धीरे धीरे ता स्वभाव मध्य बदलिला। जणे पंडितर पुओ एपरी खराब रास्तार जाऊ देखि बापांग मन आउ संभाळी हेला नाही। दिने पुओ को डाकी कहिले, एठारे किछि कोइला रखा जाइछि ओ किछि चंदन काठ रखा जाइछि। कोइला को ता जागारे ओ चंदन को ता जागारे नै रखे। मो हातर जंत्रणा हेउछि, मु रखि पारिबि नाही। तू टिके नै रखि दे। हेले गोटिए हातर कोइला रखिबु ओ अन्य हातर चंदन। बापांग कथा मानि विभास कोइला ओ चंदन काठ को नै निज निज स्थान रे रखि देला। एथर बापा ताकु डाकि पचारिले, हौ एबे मो पाखकु आस। कहिलु, देखि तो हाथर पापुली कौन होईछि। विभास उत्तर देला, मोर गोटे हाथ में कोइला धरी पापुली कला पड़ी जाइछि ओ अन्य हाथ में चंदन मह बासुछि। बापा ताकु बुझाई कहिले, एथर बुझिलु तो खराब पिलांग सांगरे मिसिले तु ए कोइला परी कला हेबु। भल पिलांग सांगरे रहिले चरित्र भल हेबो ओ तु भी मह मह बासिबु। बापांग कथा शुणी विभास भल मंद बुझी पारिला। सेबेठू से खराब पिलांग सांग छाड़ी भल मनीषटिए हेला। तेणु आमे ए गपरु सिखिले जे आमे जेमिति लोकों सहित मिसिबा सेमिति ही हेबा।